हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज मौर्य और आप देख रहे हैं घर में बगीचा चैनल। दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि घर में जब गुड़हल का पौधा, स्पेशली गुड़हल में और कई सारे पौधे और होते हैं जितने भी घर में आप रखते हैं पौधे, उनमें कभी ना कभी मिली बग जो सफ़ेद सफ़ेद कलर का होता है वो देखने को ज़रूर मिल जाता है। और ये पौधों की पत्तियों पर जो नए नए शूट्स निकलते हैं, कलर निकलते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। ये देखिए, इस तरीके से भी फ्लावर तक भी नहीं छोड़ता, हर जगह चिपका रहता है और इसमें चींटियाँ भी बहुत सारी हो जाती हैं। इस पर छोटे छोटे इनके अंडे होते हैं, उसके बाद ये पूरे पेड़ में फैल जाते हैं। तो ये देखिए, गुड़हल में तो बहुत ज़्यादा जब फ्लावरिंग होने वाली होती है उस समय ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, नींबू के पौधे में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके कंट्रोल करने के लिए दोस्तों, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका है वो मैं आज को आपको बताने वाला हूँ। उसे करके आप बिल्कुल भी एक रुपए से ऊपर आपका खर्चा ही नहीं आएगा और बस तुरंत ही आपका ये मामला सब खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए करना क्या है फ्रेंड्स, आपको एक बॉटल लेनी है, इस तरीके की कोई भी बॉटल हो स्प्रे करने वाली हो। उस बॉटल में आप शैम्पू ले लीजिए थोड़ी सी, कोई भी शैम्पू हो। अगर आप एक रुपये वाली खरीद के लाएंगे तो आपके दो बार काम चल जाएगा उससे, मतलब कि दो महीने उतने में ही काम चलेगा, क्योंकि एक बार आप डाल देंगे उसके बाद एक दो महीने छुट्टी हो जाएगी, कोई बैग वग नहीं आएगा। ये देखिए, जितनी एक रुपये में निकलती है शैम्पू उसकी आधी लेनी है। अगर वो आपके पास एक रुपये में नहीं है तो घर में पतंजलि का शैम्पू या जो भी आप यूज करते हैं शैम्पू, उसका थोड़ा सा बस पार्ट ले लीजिए, 4-5 बूंद, और उसको अच्छे से बॉटल में डाल के मिक्स कर लीजिए। देखिए, हमें पानी भरा था इसमें आधी बॉटल, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक झाग टाइप में बन जाएगा इसमें। ये देखिए, इसमें नीचे अंदर सब झाग बन गया पूरा। और अब इससे इस पौधे को अच्छे से स्प्रे कर देना है, जहाँ जहाँ इसका इन्फेस्टेशन है ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है, और हर पौधे पत्तियों पर आपको इसको छिड़काव कर देना है इस तरीके से। ये जब ज़्यादा फ्लावरिंग का समय आता है उसी समय सबसे ज़्यादा अटैक होता है इसका। नींबू में तो बहुत ज़्यादा अटैक होता है, जब भी उसमें फ्लावर आते हैं तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि नींबू के फ्लावर हैं या फिर मिली बग लगा हुआ है, क्योंकि सेम उसी कलर का होता है। मिली बग की ऐसी स्किन होती है कि उसके ऊपर अगर कोई भी आप दवा डालेंगे, कुछ भी डालते हैं, तो वो उस पर रुकती ही नहीं है, उसको वो मरता नहीं जल्दी है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप शैम्पू, थोड़ा शैम्पू लीजिए और इस तरीके से उसको छिड़क दीजिए। अभी आप देखेंगे एक घंटे के बाद ही ये सारे सारे गिर जाएंगे नीचे, जो चिपके रह जाएंगे वो मरे हुए होंगे, वो एकदम डेड हो जाएंगे, फिर आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे वो। तो इसको हम ऐसे धुल देते हैं अच्छे से, हमें लग रहा है सारे जगह पर हमने इसको धुल दिया है अच्छे से, हर पत्ती पे पहुंच गया है। तो अब इसको हम ऐसे धुल के और कम से कम 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 2-3 घंटे बाद आपको क्या करना है कि कभी ना लगे आपको, ये सालों साल नहीं लगेगा मिलीबग। तो उसके लिए देखिए, अब 2 घंटे लगभग हो गए हैं इसको धुले हुए, और देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया है, लगभग मिलीबग सारे गिर गए हैं नीचे। अगर नहीं गिरे हों तो आप ज़रा सा उसको हिला देंगे डंडी, उसके जो ब्रांच है, तो सारे सारे नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि वो सब डेड हो चुके होते हैं। और जो उनकी स्किन होती है वो वाइट नहीं रहती है, उसके बाद वो स्किन का ऊपर का वाइट वाला जो भाग होता है वो ख़त्म हो जाता है उनका। तो ये देखिए कितने हरे हरे पौधे निकल के आए हैं बाहर। तो फ्रेंड्स, अब आपको करना क्या है कि आपका जो प्लांट है उसमें मिली बग बिल्कुल दोबारा आए ही ना, उसके लिए एक हम साधारण सा फार्मूला बता रहे हैं, वो आपको करना है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए देखिए, कहीं भी आपको नीम की पत्तियाँ मिल जाएँ, ये इस टाइप की ताज़ी पत्तियाँ हैं एकदम, तो आपके अगर घर के आसपास या गांव में तो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इन पत्तियों को इस तरीके से आप निकाल लीजिए। बस थोड़ी मुट्ठी पर पत्तियाँ हों उतने से ही काम चल जाएगा। ये देखिए, हमने इतनी पत्तियाँ निकाल ली हैं, और इन पत्तियों को जो घर में मसाला कूटने वाला होता है, इमामदस्ता होता है, उसमें डाल के इस तरीके से हमने कूट लिया है देखिए। और कूटने के बाद इसमें पानी डाल लेंगे थोड़ा सा। पानी डालने के बाद दोस्तों क्या करना है, ये देखिए जालीदार कुछ कपड़ा हमारे पास है, हल्के हल्के ये पानी अंदर जा सके, और इसको हम इस मग्घे में उलट लेते हैं पूरा, ये छन के आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये पूरा इसका पानी निकल आया है हरा हरा कलर का, और इसको भी हम निचोड़ लेते हैं निकाल के। ये देखिए इस तरीके से सारा पानी निकल आया है। अब दोस्तों करना क्या है, ये देखिए इसको तो फेंक देना, आप कोई काम का नहीं है ये। और ये जो पानी है इसको फिर से उसी बॉटल में भरेंगे,
इसको खोल लेते हैं और इसमें भरना है इस तरीके से। भरने के बाद दोस्तों क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आपको पानी ऐड करना है, जैसा कि ये देखिए लगभग 100 ml के आसपास पानी होगा, तो अभी इसमें अभी 400 ml के आसपास और पानी ऐड कर लेते हैं यार, जिस पौधे की जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड बना हुआ है ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा आपके पौधे को, कितना भी आप डाल दीजिए। क्योंकि नीम का तेल जो बना बना आता है वो आप ज़्यादा अगर डाल दिए तो पौधा आपका जो पत्तियाँ हैं वो झुलस जाएंगी, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं होता है, ये तुरंत का निकालिए और स्प्रे कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं इसका, कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो अब इसको इस पर स्प्रे कर देंगे, अच्छे से इसको नहला देना है इस पानी से, क्योंकि ये बहुत ही स्वाद में तीखा होता है, तो इसमें जो भी इंसेक्ट थे वो बिल्कुल आएंगे ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप करिए, कभी भी दोबारा आपको इसकी शिकायत नहीं मिलेगी मिली बग्स की, और हमेशा हमेशा के लिए मिली बग आपके दूर हो जाएंगे, पौधा आपका हरा भरा बना रहेगा बिल्कुल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।